तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, फायर नेम अलर्ट वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के फायर नेम अलर्ट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिर से कलर पे सेलेक्ट करेंगे और इस कलर को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आपको जिसका भी नाम टाइपिंग करना चाह रहे हैं उनको नाम आपको टाइपिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैं खुद का नाम टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद ओके करते हैं। इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। फॉन्ट पे आना है और यहाँ पर आपको बोल्ड कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ पे 6-7 से 8 सेकेंड तक का सीन चाहिए। इसके बाद फिर से टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको फुल साइज कर देना है। इसके बाद जो आपका कलर फाउंट है उसे आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो इसे आपको दो बार बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो अभी फ़िलहाल में एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कलर की का, सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे सही से कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट करने के बाद कुछ इसको इस साइड में बिल्कुल सेंटर में इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। फाइनली जब आपका वीडियो प्ले होगा तो आपको वीडियो में प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो फिलहाल में टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।